स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतत् धार्यते विश्वं त्वयेतत् सृज्यते जगत् त्वयेतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह च भवति महादेवी महासुनी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्थततुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनि शूलिनि घोरागदिनि चक्रिणि तथा स्वर भी आपका ही स्वरूप है, आप ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार ओकार और महकार और इन तीनों मात्राओं के साथ बिंदु रूप में अरेध मात्रा है, वो भी आप ही हैं। आप ही संध्या सावित्री तथा आप ही परम जननी हो, आप ही परम ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। और आपसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे ही इसका पालन होता है और कल्प के अंत में आप ही सबको ग्रास बनाकर प्रलय लाती हैं। जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन के समय आप स्थिति रूपा हो और प्रलय के समय संहार रूपा भी आप ही हो। देवी आप ही कालरात्रि मोहरात्रि और महारात्रि हो, आप ही श्री ईश्वरी ह्रीं और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि क्षमा और शांति आप ही हो। संसार में जो कुछ भी है और उनकी जो भी शक्ति है सब आप ही हो माता। मैं तुच्छ आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ, आपने ही मुझे और नारायण को हमारा अस्तित्व प्रदान किया, फिर मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे देवी, आप तो अपने उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो, रक्षा करो माता, रक्षा करो माता, माता रक्षा करो इन दोनों असुरों मधु और कैटभ, जिनका जन्म आपकी ही शक्ति से हुआ है। इन्हें मोह में डालकर नारायण के द्वारा इनके वध का उपाय करो माता, रक्षा करो माता, रक्षा करो माता। ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुई, चिंता मत करो, माँ सदैव अपनी संतानों की रक्षा के लिए तत्पर रहती, मैं ही महामाया हूँ और अपने महामाया स्वरूप में मैंने जो आरंभ किया था मैं ही उसे संपन्न करूंगी। तुम हमें नहीं रोक सकते विष्णुदेव, हम विजयी होकर रहेंगे। पुत्र मधु, पुत्र कैटभ। माता, देवी महामाया, देवी महामाया ही इन असुरों का कोई उपाय करेंगी। देवी महामाया क्या इन असुरों को रोक सकेंगी? देवी महामाया की माया से अवश्य भ्रमित होंगे ये दोनों। प्रणाम माता।
माता, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम विष्णु देव से युद्ध कर रहे हैं और विजय की ओर अग्रसर हैं। पुत्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम दोनों बड़ी तत्परता और कुशलता से युद्ध कर रहे हो, किंतु युद्ध में विरोधी योद्धा का सम्मान भी एक योद्धा का धर्म होता है। विरोधी अर्थात अपने शत्रु का सम्मान। जो हमसे युद्ध कर रहा है हम उसका सम्मान करें, ये तो हमारी प्रवृत्ति नहीं। पुत्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि नारायण इतनी कुशलता से तुम्हारा सामना कर रहे हैं, इसीलिए उनके सम्मान स्वरूप और युद्ध के पूर्व उन्हें एक वरदान दो, इसी में तुम्हारी महानता है। वरदान माता, हम अपने शत्रु को वरदान दें? हाँ पुत्र, तुम दोनों अपनी अपार शक्ति प्रमाणित कर चुके हो। नारायण ने अनेकों बार तुम्हारा वध किया किंतु तुम पुनः जीवित हो गए। इसलिए उन्हें वरदान देने से तुम्हारी शक्ति क्षीण नहीं पड़ेगी किंतु तुम ये सिद्ध करोगे कि शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम कितने उदार भी हो, और उदारता तो महानता का ही लक्षण है। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें तो अपनी पराजय बहुत समय पूर्व स्वीकार कर लेनी चाहिए थी विष्णुदेव, किंतु तुम अपनी हट के आगे अड़े रहे, लड़ते रहे हमसे, ये जानते हुए भी कि युद्ध में तुम्हारा विजयी होना असंभव है। किंतु हम तुम्हारी दृढ़ता की सराहना करते हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पराजित करने के पूर्व तुम्हें एक वरदान अवश्य देंगे। मांगो, वरदान मांगो हमसे। मैं वरदान मांगू इन दुष्ट असुरों से? मैं समझ गया, ये आपकी ही लीला है देवी, वही होगा जो आपकी इच्छा है। इतना क्या विचार कर रहे हो विष्णुदेव, शीघ्रता करो, वरदान मांगो हमसे। ठीक है, यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि तुम दोनों का अंत मेरे ही हाथों हो। हमारा अंत हो इसके हाथों? हम तो इसका अंत करेंगे, फिर ये हमारा अंत कैसे कर सकता है? राता कैटअप, ये कैसा वरदान मांग लिया विष्णु ने? चतुर विष्णु, तुम सोच रहे होगे कि चतुराई से तुमने हमारी मृत्यु का उपाय ढूंढ लिया, किंतु ये केवल मात्र तुम्हारा एक भ्रम है। किंतु हम तुम्हें वरदान अवश्य देंगे कि हमारी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों हो। राता मधु, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या वरदान दे रहे हो तुम? बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई तुम्हारी? हमारे अंत का वरदान मांग रहा है ये। शांत रहो भ्राता कैटब, इसके बल को पराजित किया था हमने, इसके छल को भी पराजित करेंगे, वरदान अवश्य देंगे इसे, किंतु उसका कोई लाभ नहीं होगा। विष्णुदेव, वचन दिया है तुम्हें, इसीलिए वरदान भी अवश्य देना ही होगा, किंतु एक अवस्था में ही ऐसा हो सकेगा। तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारा वध तुम्हारे हाथों होगा, किंतु
तुम जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे, जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे, जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे। यहाँ तो सर्वत्र जल ही जल है, फिर इन दोनों का वध कहाँ करेंगे वो? बताओ, स्वीकार है हमारी चुनौती या फिर भयभीत हो गए? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो, आओ वध करो हमारा। किंतु यदि मामा जी उनका जल में अंत नहीं कर सकते थे तो फिर ये कैसे संभव था? वहाँ तो जल ही जल का विस्तार था। मैं कुछ समझा नहीं माँ। आपने ही मधु और कैटअप को मामा जी को वरदान देने का सुझाव दिया और मामा जी को मधु कैटअप से ये वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया कि वो उन दोनों असुरों का अंत कर सके, और फिर मधु ने वरदान भी दिया किंतु ऐसी स्थिति के साथ जिससे मामा जी द्वारा उनका वध करना असंभव हो जाए। गणेश जी का प्रश्न तो सर्वथा उचित। ऐसी अवस्था में नारायण ने उन असुरों का वध कैसे किया होगा? गणेश के इस प्रश्न का उत्तर देवी श्री महाकाली के द्वारा ही दिया जाना उचित है। उचित किया मैंने, मेरा रहस्य समझना चाहते हो ना? समझ गणेश, समझ मेरी इच्छा के पीछे छिपे कारण को। यही मेरी लीला है और यही मेरी माया। माता की लीला का रहस्य तो मुझे अभी भी ज्ञात नहीं हुआ। यही तो है देवी महाकाली की लीला, जिसका रहस्य समझना सरल नहीं। उनके संकेत से ही मुझे सफलता का उपाय प्राप्त हुआ। इतना स्तंभित क्यों खड़े हो नारायण? क्या हुआ, हमारी दान वीरता से स्तब्ध हो क्या? अरे तुमने वरदान मांगा और हमने दे दिया, तो आओ अब युद्ध करो। करूंगा, अवश्य करूंगा युद्ध तुमसे, और वध भी करूंगा तुम्हारा। आओ वध करो हमारा, किंतु वहीं जहां थल जल में डूबा ना हो। सर्वप्रथम ढूंढो वो स्थान और तब अंत करो हमारा। अवश्य अवश्य अवश्य, तुम्हारी ये मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। राता कैटअप, इसके छल का तो उचित उत्तर दिया मैंने, फिर क्या कारण है विष्णु देव के इस विश्वास का कि वो अब भी हमारा वध करने में सक्षम है? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ भ्राता। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरदघानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विराट रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ श्री महाविष्णु। ये क्या हो रहा है? विष्णु ने अपना आकार इतना विशाल कैसे कर लिया? भ्राता मधु, वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु उचित प्रकार से मैं विष्णु को देख भी नहीं पा रहा हूँ। हमारा वध असंभव है, किंतु फिर भी मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? भ्राता मधु,
भयभीत तो मैं भी हो रहा हूँ। कदाचित इसका कारण विष्णु का ये विकराल रूप है। अपने भय को मिटाना होगा हमें, तभी विजयी हो सकेंगे हम। हे विष्णु, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मत समझो कि तुम्हारे इस विशाल रूप को देखकर भयभीत हो जाएंगे हम। और तुम हमारा वध कर सकोगे? स्मरण रहे, स्वीकार किया था तुमने जल में हमारा वध नहीं करोगे तुम, इसलिए तुम हमारा वध नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि यह तो सर्वत्र जल ही जल है, और यदि आप अपने विशाल आकार से हमें भयभीत करना चाहते हो तो मत भूलो, हम भी विशाल आकार ले सकते हैं। ये देखो, तुम जितना अपना आकार विराट करोगे, तुम्हारा वध करने में मुझे उतनी ही सुविधा होगी। किंतु हाँ, अपना दिया हुआ वचन भंग नहीं करूंगा, तुम्हारा वध करूंगा, किंतु जल में नहीं। भ्राता कैटब, हमारे विशाल होने से इसे सुविधा होगी। हाँ भ्राता मधु, हम और विशाल नहीं होंगे, इसकी असुविधा में तो आनंद आएगा ना हमें, और वैसे भी ये अभी भी हमसे विशाल ही है। युद्ध करो हमसे। तुम दोनों असुर देवी महामाया की आज्ञा का पालन कर रहे थे ना? तो लो, मैं अब देवी महाकाली की आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हारा वध तो करूंगा, किंतु जल में नहीं। ये क्या कर रहे हो? मुक्त करो मुझे। अब तुम दोनों का अंत होगा। इन असुरों के साथ इनके आतंक का अंत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। माता, आपने ही मधु और कैटब को उत्पन्न किया, जब उनका अंत ही होना था तो आपने उन्हें जीवन दिया ही क्यों? देवी पृथ्वी, धन्यवाद मेरा नहीं, देवी महाकाली का कीजिए, जिनकी लीला से मधु और कैटब उत्पन्न हुए और मैंने उनका अंत किया। मैं तो मात्र उनकी लीला में सहायक था, सृष्टि का पुनः निर्माण उन्हीं की लीला का परिणाम है। जय श्री महाकाली। हम कृतार्थ हुए माता,
आपकी अद्भुत लीला की और आपकी लीला के परिणाम स्वरूप सृष्टि के पुनर्निर्माण की कथा सुनकर। हाँ माँ, हम धन्य हुए आपकी लीला की कथा सुनने का अवसर जो प्राप्त हुआ हमें, और उससे भी बड़ा सौभाग्य तो ये था कि ये कथा हमें साक्षात आपके श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी ही लीला की कथा सुनाकर आपने हमें कृतार्थ कर दिया माता। किंतु हमें ये भी बताइए माता कि आपके देवेश्वरी महाकाली रूप की कृपा से हम भक्तों को कैसा सुफल प्राप्त होता है? मैं जब श्री महाकाली रूप में अवतरित होती हूँ तो उस समय महादेव महाकाल रूप में मेरे साथ होते हैं। मेरे इस रूप की आराधना से मेरे भक्तों को जीवन के सभी सुख और भोग के सभी साधन प्राप्त होते हैं और उनकी समस्त धर्मोचित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के उपरांत उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। माँ प्रणाम, माँ श्री महाकाली। मशान काली काकाली भद्रकाली कपाली गुहिकाली महाकाली गुरुकुला विरोधी कालिका कालरात्रिश्च महाकाली नितंबिनी कालभैरव भार्या च कुलवर्तम प्रकाशिनी कामदा कामिनी कन्या कमनीय स्वरूपिणी कस्तूरी रस लिप्तांगी कुंजरेश्वरगामिनी ककार वर्ण सर्वांगी कामिनी कामसुंदरी कामार्ता कामरूपा च कामधेनु कलावती कांता कामस्वरूपा च कामाया कुलकामिनी कुलीना कुलवर्त्यम्बा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। मेरी प्रथम महाविद्या काली के रूप की कथा अनंत है, इसीलिए अब मैं उसे विराम देती हूँ और अपनी द्वितीय महाविद्या के विषय में बताती हूँ। द्वितीय महाविद्या माता? गणेश, अपने प्रश्नों पर थोड़ा नियंत्रण रखो, कदाचित माता क्रोधित हो रही हैं। माता, श्री महाकाली का प्रचंड क्रोध जागृत हुआ तो कदाचित हम सभी उसमें भस्म हो जाएंगे। एक और प्रश्न पूछना चाहता है रे, तो पूछ। किंतु तुझसे यही अपेक्षा भी है, क्योंकि जब तक तू मेरा रहस्य जान नहीं जाता तेरी जिज्ञासा कहाँ शांत होगी रे? पूछ, तेरे मन में क्या प्रश्न है? माता, आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है, तो मेरा प्रश्न भी आपसे छिपा कहाँ है माता? ज्ञात है मुझे, तेरा प्रश्न मुझे अवश्य ज्ञात है, किंतु यहाँ उपस्थित और किसी को नहीं, इसीलिए पूछ ले, पूछ। जो आज्ञा माता। माता, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि जब संसार में श्री महाकाली का आविर्भाव हो चुका था और उनकी कृपा से पृथ्वी का निर्माण भी आरंभ हो चुका था, तो आपकी द्वितीय महाविद्या रूप की आवश्यकता क्यों हुई? इसमें समझने का जो भी है, मैं पूर्व में ही कह चुकी हूँ गणेश। महादेव के साथ मिलकर संसार के निर्माण पालन और संहार का कार्य है मेरा, और अपने इन सभी कार्यों के संपादन के लिए मैं अपने 10 महाविद्या रूप प्रकट करती हूँ। मैंने अपने महाकाली रूप में मधु और कैटब के शरीर से पृथ्वी के कठोर धरातल का निर्माण करवाया, किंतु उससे सृष्टि का सृजन पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि जल और थल तो अब थे किंतु और कुछ नहीं था, इसीलिए सृष्टि अभी भी अपूर्ण थी। जल और थल के बाद प्राण ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य की आवश्यकता थी, जिनकी उत्पत्ति के लिए
मैंने अपना देवी तारा स्वरूप धारण किया और महादेव के अक्षोभ्य स्वरूप का प्राकट्य हुआ। माँ तारा और श्री अक्षोभ्य ही आदित्य सूर्य के सृजन का कारण थे। माता, मैं ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि आदित्य सूर्य की रचना आपने कैसे की। तो सुन, ध्यान से सुन। पृथ्वी हिमाच्छादित थल पिंड मात्र थी, जिस पर जीवन संभव नहीं था। इसीलिए देवी तारा का उद्भव हुआ, जिनसे आदित्य सूर्य को उत्पन्न होकर पृथ्वी पर उष्णता और प्रकाश का संचार करना था। वो देवी तारा मेरी द्वितीय महाविद्या, सर्वथा असाधारण स्वरूप है मेरा। मेरा वो महाविद्या स्वरूप है जिनमें ऊर्जा, उष्मता, प्रकाश उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। और जब उस ऊर्जा का संयोग प्रभु अक्षोभ्य की ऊर्जा से हुआ, तो वो संयुक्त ऊर्जा आदित्य सूर्य के अस्तित्व का आधार बनी। देवी तारा और प्रभु अक्षोभ्य की संयुक्त ऊर्जा सागर के जल में समाहित हुई, तो वहां अनेकों प्रज्वलित ऊर्जा पिंड उत्पन्न हुए, जिससे ऊर्जा का अद्भुत विस्तार हुआ। फिर देवी तारा ने अपनी श्वास वायु से एक प्रचंड वायु प्रवाह उत्पन्न किया, जिसके टकराव से और ऊर्जा पिंडों की संख्या में और वृद्धि के साथ उनका जुड़ाव आरंभ हुआ। और तब जल के भीतर निरंतर बढ़ती ऊर्जा के केंद्र आदित्य सूर्य का आकार दिखाई देने लगा। फिर प्रभु अक्षोभ्य और देवी तारा की ऊर्जा से आदित्य सूर्य प्रस्तुत हुए। प्रभु अक्षोभ्य, आपसे जीवन पाकर मैं कृतार्थ हुआ।
मुझे उत्पन्न करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने पृथ्वी पर जीवन का संचार करने के लिए आपको जन्म दिया है। अब आप अपने स्थान पर रहकर सृष्टि को उष्मता, प्रकाश और जीवन दायिनी ऊर्जा प्रदान करें। दिवस और रात्रि उत्पन्न करेंगे, पृथ्वी पर ऋतुओं का चक्र स्थापित करेंगे। अब आप प्रस्थान कीजिए और सभी को जीवन देने का अपना दायित्व संभालिए। उचित है माँ। सूर्य देव से ही संसार में प्राण शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे प्राणियों का जीवन आरंभ हुआ, और ये सभी आपकी ही लीला से संभव हो सका है माँ। उत्तम, अति उत्तम। ये प्रथम बार है गणेश जब तूने प्रश्न नहीं पूछा, स्वयं उत्तर दिया है रे। किंतु माँ, मेरे प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए। ज्ञात है मुझे, ज्ञात है। पूछ रहे। माता, हमें बताइए ना, आपकी द्वितीय महाविद्या स्वरूपनी देवी श्री तारा के नाम का क्या अर्थ है? क्या रहस्य है इसके पीछे माँ? तारा अर्थात जगत को तारने वाली। मुझे अपने उस रूप में तारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने अपने उसी रूप में सूर्य को उत्पन्न कर जगत को तारने का कार्य किया था, और आज भी मैं देवी कुष्मांडा के रूप में सूर्य के केंद्र में रहती हूँ। उनकी अधिष्ठात्री हूँ। ऐसा क्यों माता? आदित्य सूर्य को उत्पन्न करने और उन्हें उनका दायित्व समझाने के बाद आपको उनके केंद्र में स्थित रहने की क्या आवश्यकता है? आदित्य सूर्य को उत्पन्न करने और उन्हें उनका दायित्व समझाने के बाद आपको उनके केंद्र में स्थित रहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सूर्य की शक्ति का स्रोत मैं ही हूँ रे। मेरे बिना उनकी ऊर्जा, उनका प्रकाश मन पर शांत पड़ जाता है। सूर्य सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं, किंतु उसका कारण भी मैं ही हूँ रे। मेरी ही शक्ति उन्हें इसमें समर्थ बनाती है, और अपने कुष्मांडा रूप में मैं यही करती हूँ रे। माता, आपने हमें अपने इस नाम का अर्थ तो बता दिया, किंतु अब ये भी बताइए कि मैं जानती हूँ तू क्या पूछना चाहता है रे। यही ना कि महादेव को अक्षोभ्य क्यों कहा जाता है? हाँ माँ। अक्षोभ्य अर्थात जो प्रत्येक अवस्था में शोभ्य रहित रहे, और महादेव तो सदा अक्षोभ्य ही रहते हैं। हलाहल विष का पान करने के बाद भी व्यथित नहीं हुए वो, सदा शांत रहते हैं वो। और ऐसा इसीलिए संभव हुआ क्योंकि कष्टों को तारने वाली देवी तारा के रूप में मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं समझ गया माँ, आप जिनके निकट रहती हैं, उनको कोई शोभ नहीं होता, वो सदा अक्षोभ्य रहते हैं। तो माँ, क्या इसी कारण सूर्यदेव भी प्रशांत बने रहते हैं? तब स्वयं समझ गया तू, वास्तव में तू बुद्धि का देवता है। उचित कहा तूने,
सूर्य सबको जीवन प्रदान करने के लिए सदा तपते रहते हैं और स्थिर भी रहते हैं और अपनी स्थिरता से सबको प्राण शक्ति भी प्रदान करते हैं। माता, मेरी भी एक जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। यदि सभी माता से इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहे तो अवश्य ही माता कुपित होकर हम सभी को एक साथ दंडित करेंगे। पूछ, तू भी पूछ, क्या है तेरी जिज्ञासा रे? माता, देवी तारा के रूप में आपकी पूजा से हम भक्तों को कौन से सुफल प्राप्त होते हैं और माँ तारा के रूप में हमें दर्शन भी प्रदान करें। माँ माता तिल सरस्वती प्रणमताम सौभाग्य संपत् प्रदे प्रत्यालीड पदस्थिते सवयदि स्मेराननाम वारुदे फुल्लेन्दीवर लोचने त्रिनयने कर्त्रो कपालोत्पले खड़गंचाददति त्वमेव शरणम। मेरी पूजा करने वाले भक्तों के शत्रुओं का नाश होता है, उन्हें अद्भुत वाक शक्ति का वरदान प्राप्त होता है और मेरे इस रूप के भक्तों को भी देवी काली के भक्तों के समान भौतिक सुख भोग के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माता, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने अपनी कथा सुनाकर और अपने भव्य और दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। माता मातर तिल सरस्वती प्रणमताम सौभाग्य संपत् प्रदे प्रत्यालीड पदस्थिते सवयदि स्मेराननाम वारुदे फुल्लेन्दीवर लोचने त्रिनयने कर्त्रो कपालोत्पले खड़गंचा ददति त्वमेव शरणम त्वामीश्वरीमाश्रये। तारा च तारिणी देवी नागमुंड विभूषिता ललज्वा नीलवर्गा ब्रह्मरूपधरा तथा नागांचितकटी देवी नीलांबरधराधरा नामनामाष्टकमिदं स्तोत्रम् यपठति शृणुयादपि तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी। माता, आपने देवी श्री महाकाली रूप में पृथ्वी का निर्माण किया, फिर माँ तारा के रूप में सूर्य देव को उत्पन्न किया। जब पृथ्वी और जीवन के स्रोत सूर्य दोनों की रचना हो चुकी थी तो आपकी तृतीय महाविद्या की क्या आवश्यकता थी? पृथ्वी, सूर्य, ये पर्याप्त है क्या? मैं कुछ समझा नहीं माता। तृतीय महाविद्या इसीलिए आवश्यक थी क्योंकि सृष्टि अभी भी अपूर्ण थी। माँ की तो प्रत्येक महाविद्या बहुत ही अद्भुत है। तृतीय महाविद्या में माँ ने कौन सा नया रूप लिया और सृष्टि को क्या प्रदान किया? तब महादेव ने लिया पंच वक्त्र शिव का रूप। इस रूप में महादेव के पांच मुखों के नाम है तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान। फिर देवी षोडशी की हथेली से एक जल की बूंद पृथ्वी पर गिरी।
उनके संकेत पर आदित्य सूर्य ने अपनी ऊर्जा का संपादन किया, जो देवी षोडशी के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंची और जीवन का बीज अंकुरित हुआ और फलने फूलने लगा। फिर उनकी कृपा से और उनकी निगरानी में प्रकृति का विस्तार हुआ। पुष्प खिलने लगे और उनके साथ वन्य जीवों में भी प्राणों का संचार हुआ और प्रकृति अपने पूर्ण वैभव में जीवन का आधार बनी। इस प्रकार मेरी महाविद्या के तृतीय देवी षोडशी के स्वरूप में मैंने और महादेव ने पृथ्वी पर प्रकृति को आरंभित रूप दिया। बालव्यक्त विभाकरामिति निवाम भव्य प्रदाम भारतिम ईषत् फुल्लमुखाम्बुजस्मितकरे राशा भवान्दापहाम पाशं साभयम् अंकुशं च वरदम। कितनी अनुपम दिव्यता है माँ षोडशी की। कितना भव्य सौंदर्य है माँ का। भक्त्या भजे षोडशीम। इतने समय के पश्चात माँ के मुख पर ये सुंदर मुस्कुराहट देखकर हम सभी कृतार्थ हो गए। जो मेरे इस रूप की पूजा करते हैं वो सर्व सिद्धियां संपन्न हो जाते हैं, कोई भी दुख उनके निकट नहीं आता। बाल व्यक्त विभाकरामिति निवाम भव्य प्रदाम भारतिम ईषत् फुल्लमुखाम्बुजस्मितकरे राशा भवान्दापहाम पाशं साभयमंकुशं च वरदम संविव्रतिं भूतिदा व्राजन्तीं चतुरं वजाकृतिकरे भक्त्या भजे षोडशीम्। कोई भी शंका कोई भी जिज्ञासा जन्म ले रही है क्या? हाँ माता, अब तो संसार पूर्ण हो चुका था। पृथ्वी, सूर्य, जल, प्रकृति सब उत्पन्न हो चुके थे। अपना प्रश्न अधूरा मत छोड़ गणेश, जो भी मन में है व्यक्त कर। पूछ 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 रे, क्या पूछना चाहता है? माता, ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव, पृथ्वी माता, सूर्य देव सब आपकी ही लीला से उत्पन्न हुए हैं, किंतु देवगण जैसे देवराज इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव और ऋषिगण जैसे ऋषि दुर्वासा, ऋषि मार्कंडे, इनका अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ माता? बुद्धि में तो तू श्रेष्ठ है गणेश, प्रश्न भी तू उत्तम ही पूछता है रे। तो अब मेरा उत्तर सुन गणेश, सृष्टि आरंभ हो चुकी थी इसीलिए अब देवताओं का जन्म भी आवश्यक था। मेरे आदेश से ब्रह्मदेव ने अपनी मानस संतानों को जन्म दिया, धर्म, रुद्र, सनत, सनातन, भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगीरस, अंगीरा, पुलस्त्य, क्रतु, कश्यप, सनत कुमार, रुद्धि, प्रता, वशिष्ठ एवं नारद की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मदेव के द्वारा बहिर्शत, अग्निश्वात, कव्यात, आज्यप, सुकालीन, उपहुत और दिव्य नामक पृथ्वीगणों का भी प्रादुर्भाव हुआ और फिर उसने अपने बाएं अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया।
माने वृक्ष बीज अर्थात वंश वृद्धि करने में असमर्थ थी, इसीलिए सृष्टि के विस्तार के लिए प्रजनन की आवश्यकता थी। और यह प्रजनन शक्ति संसार को देने की क्षमता ब्रह्मदेव में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मेरी और महादेव की स्तुति आरंभ की। उस समय शिव और शक्ति संयुक्त थे, अर्ध नारेश्वर रूप में ही थे। ब्रह्मदेव, हम आपकी स्तुति से प्रसन्न हुए। प्रभु शिव, माता शक्ति, मेरे द्वारा जिन जीवों का सृजन हुआ है उनकी संतानें उत्पन्न हो सकें, इसके लिए प्रजनन अति आवश्यक है। पर यह तभी संभव है जब प्रकृति शिव से पृथक हो और ऐसे स्त्री पुरुष का जन्म हो जिनसे मैथुनी शक्ति का आरंभ हो सके। यदि सृष्टि के आरंभ और उसकी भलाई के लिए हमें एक दूसरे से विलग होना होगा तो ऐसा ही होगा। प्रार्थना से शिव और शक्ति एक दूसरे से विलग हो गए और उनसे एक पुरुष और स्त्री का जन्म हुआ। उसमें जो पुरुष उत्पन्न हुए थे वो मनु थे और स्त्री थी शत्रुपा। उन दोनों से प्रियवत और उत्पानपाद नामक दो पुत्रों का जन्म हुआ और आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नामक तीन कन्याएं भी हुई। और फिर उनकी इन संतानों का विवाह ब्रह्मदेव की मानस संतानों से हुआ और उनसे मैथुनी सृष्टि अर्थात स्त्री पुरुष के मिलन द्वारा संतानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया का आरंभ हुआ और सृष्टि का विस्तार होने लगा। दक्ष और प्रसूति से मैथुनी क्रिया द्वारा अनेकों संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह प्रजापति कश्यप के साथ हुआ। प्रजापति कश्यप और दक्ष की कन्याओं से देवता, असुर, दानव, अश्व, गंधर्व, राक्षस, वृक्ष, अप्सरा, सर्प और नाग, गौ, भैंस, श्वापद अर्थात हिंसक जीव, श्वेन अर्थात गिद आदि जीव, यादवगण अर्थात जलचर जीव, गरुड़ और अरुण, पतंग और शलभ आदि का जन्म हुआ। इन्हीं से संसार की समस्त प्रजातियों का जन्म हुआ। माता, अब तो सृष्टि पूर्ण हो गई थी। प्रकृति, जीव, जंतु, देव, गंधर्व, यक्ष आदि सभी उत्पन्न हो चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण इस समस्त जीवन के लिए पृथ्वी भी थी। नहीं रे, मात्र एक पृथ्वी से संसार की रचना नहीं होती रे गणेश। बता मुझे, कौन है जो पृथ्वी पर निवास करता है? जीव जंतु और पुरुष माता। और अन्य सभी, उनका क्या स्थान है रे? सभी देव तो अपने अपने लोक में विराजमान रहते हैं। और अन्य सभी भी माता? और अन्य सभी अपने अपने भुवन में रहते हैं और उन भुवनों की उत्पत्ति के लिए मेरी चतुर्थ महाविद्या स्वरूप देवी भुवनेश्वरी की कथा मैं आप कहूंगी। देवी भुवनेश्वरी? मैं
मेरी महाविद्या का चतुर्थ स्वरूप देवी भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की ईश्वरी है हम। संपूर्ण ब्रह्मांड की हम ही जन्मदाता हैं। ब्रह्मांड हमसे ही उत्पन्न होता है और अंततः मुझ में ही समाहित होता है। मैं ही उसकी रक्षा करती हूँ। जब मैं अपने भुवनेश्वरी रूप में प्रकट होती हूँ तो महादेव अपना त्रयंबक रूप धारण करते हैं। प्रिय, अभी समय आ गया है अपनी भुवनों का निर्माण कर सभी देवताओं, ऋषिगण, अन्य सभी प्राणियों को अपने अपने भुवनों पर निर्धारित करें। ब्रह्मदेव जहाँ निवास करते उस सत्य लोक का आविर्भाव हुआ। ये समस्त लोकों में सर्वोच्च लोक है, जहाँ के वासी जन्म और मरण के चक्र से मुक्त है। फिर तप लोक प्रस्तुत हुआ, जहाँ शरीर रहित पुण्य आत्माओं का वास है। जो इस लोक में वास करते वो अपने सत्य लोक प्रस्थान की प्रतीक्षा में रहते। फिर ज्ञान लोक प्रस्तुत हुआ, जहां जिज्ञासा से परिपूर्ण तपस्वी वास करते हैं। उसके पश्चात महरलोक का आविर्भाव हुआ, जहां तप की पराकाष्ठा के उपरांत ऋषियों मुनियों को स्थान प्राप्त होता है। जो ऋषि यहां निवास करते हैं उनकी शक्तियां देवताओं की शक्तियों के समान होती, इसीलिए इस लोक में सप्त ऋषियों का वास होता है। फिर इस कर्म में आनंद लोक अर्थात स्वर्ग लोक आता है। जो देवताओं और उत्तम पुण्य कर्म करने वालों का निवास है। जिसके बाद भुवर लोक है, जहां सूर्य देव और अन्य नवग्रह स्थित है। पश्चात मनुष्यों और मृत्यु लोक के अन्य प्राणियों के लिए भूलोक है।
माता, आपने जितने भी लोगों का निर्माण किया वो तो सात्विक और सद्गुण स्वभाव के प्राणियों के लिए किया, किंतु उनका क्या? जिनका स्वभाव ही तामसिक है, उनका निवास कहाँ होगा? कहाँ जाएंगे वो? फिर भूमि के नीचे के लोग प्रकट हुए। इसमें सर्वप्रथम है अतल लोक। ये भोग विलास का लोक है। भूमि की समस्त धन संपदा यही संचित रहती है। फिर वितल लोक है, जहां भूमिगत जीव स्वर्ण आदि का खनन करने हेतु निवास करते हैं। अतल लोक के समान वितल लोक भी भौतिक संपत्ति पर केंद्रित लोक है। फिर असुर राजा बलि द्वारा सुतल लोक का आविर्भाव हुआ। तलातल लोक की उत्पत्ति हुई। फिर उसके नीचे महातल उत्पन्न हुआ, यही नागलोक है, जहां नाग पुरुष और नाग कन्याओं का वास है। फिर उसके भी नीचे है दानवों और दैत्यों का लोक, रसातल। सबसे नीचे पाताल लोक प्रकट हुआ, जहां नागराज वासुकी का निवास है, यही सभी अन्य भुवनों का आधार है। सब लोगों के बारे में तो हमें ज्ञात हो गया और सभी अपने अपने लोक में शांतिपूर्वक निवास भी करने लगे, तो फिर माता के अगले महाविद्या रूप का क्या उद्देश्य था?